तो प्रीवियस मिड्यूल्स के अंदर कुछ हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि आपके पास जो ट्रेड है आइदर इट हेल्प्स और नॉट टू द कॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट वी वी मस्ट लर्न और वी मस्ट लिंक द ट्रेड थेरी विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन फिर हम इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जाएंगे अब प्रिंसिपली जो हमने ट्रेड थेरीज पढ़ी थी वो चाहे वो एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करें चाहे वो कम्पेरेटिव एडवांटेज की बात करें फैक्टर इंडोमेंट्स से रिलेटेड जो हैक्चरोनल मॉडल था उसकी बात करें तो वहाँ पे प्राइमरली जो पैटर्न्स डेवलप हो रहे थे वो ये डेवलप हो रहे थे कि आपके पास जो आ, जिस चीज़ के अंदर कंपेरेटिव एडवांटेज है आप उस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें सपोज़ नेशन वन जो है वो आ, आ, वहाँ पे लेबर ज़्यादा है तो उसको लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज़ की तरफ जाना चाहिए प्रोडक्शन की तरफ और नेशन टू है स्पोर्स तो वहाँ पे आपके पास कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटीज़ की तरफ जाना चाहिए तो यहाँ पे ट्रेड पॉसिबल हो सकती है क्योंकि स्पेशलाइजेशन होगी दोनों फॉर्म के अंदर एक नेशन के अंदर आ, लेबर इंटेंसिव गुड्स के अंदर स्पेशलाइजेशन हो जाएगी और दूसरी नेशन के अंदर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की फॉर्म में स्पेशलाइजेशन हो गई और ओवरऑल जो आ, पूरा पूरी वर्ल्ड है उसको फ़ायदा होगा लेकिन क्या ऐसा ठीक रहेगा पूरी फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज तो यहाँ पे एक चीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से फील की गई कि क्या आ, ऐसा ही रहेगा फ्रॉम शॉर्ट रन टू लॉन्ग रन शॉर्ट रन के अंदर तो दिस कैन बी अ गुड थिंग कि आप फॉर द टाइम बीइंग अगर आपके पास लेबर ज़्यादा है तो आप लेबर को यूज़ कर लो एंड देन फिर आप बाहर से कैपिटल नहीं है विद द पैसेज ऑफ टाइम मंगवाएं तो शॉर्ट रन के अंदर तो फिनिना ठीक था लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या इससे डिपेंडेंस uh, नहीं होगी ज़्यादा डेवलपमेंट की डिवेलप uh, कंट्रीज की तरफ इसी तनाजर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग थेरी है आई वुड रिकमेंड कि आप उसको पढ़िएगा डोमिनेंस डिपेंडेंस थेरी उसका नाम है डोमिनेंस डिपेंडेंस थेरी डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट हैं टू एक्सटेंट दैट वाज़ द व्यू कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये एक फील आया कि अगर हम लोग uh, सिर्फ इस ट्रेड थेरीज को देखें और इस एक ट्रेड पैटर्न्स को फॉलो करें तो हम लोग तो कभी भी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो गेन्स हैं या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ़ायदे हैं कभी भी हम उसको उन बेनिफिट्स को नहीं अचीव कर सकेंगे या उन बेनिफिट्स को नहीं एक्सपीरियंस कर सकेंगे लाइक like आपके पास ट्रेन लेबर नहीं होगी ट्रेन लेबर नहीं होगी आपके पास अनस्किल्ड लेबर है तो आप उसी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं अनस्किल्ड की और इसी से प्रोडक्शन ले रहे हैं और उसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आ, वो सारी जिंदगी अनट्रेन्ड लेबर से ही काम लेते रहेंगे ये एक फील्ड हुआ दैन फिर आपके पास इनोवेशन्स ऑब्वियसली अगर आप इंडस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे तो आपके पास इनोवेशन नहीं हैं आपके पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं आ रही या आप टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन नहीं कर रहे टेक्निकल गुड्स की इन डोमेस्टिक लेवल तो वहाँ पे देन यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द डवेलप वर्ल्ड देन आपके पास सपोज़ uh, uh, क्योंकि uh, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ जाते हैं जब आप डिपेंडेंट होते हैं दूसरी कंट्री के ऊपर ट्रेड uh, के लिए तो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं दैट मेड नॉट बी स्टेबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब इस केस के अंदर बड़ा क्लासिकल केस है एफ यू सी ऑयल प्राइसेस का ख़ास तौर पे। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो हमेशा हर्ट होती हैं उसके अप्स एंड डाउनस के साथ तो एक माइंड एक सेट ये डेवलप uh, रहा कि क्या डेवलपिंग वर्ल्ड हमेशा डेवलपिंग ही रहेगी तो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल ट्रेड थेरीज हैं उनके ऊपर एक बड़ा सिग्निफिकेंट सा अटैक आया इन द सेंस और वहाँ बैक एंड पे जो कुछ इकोनॉमिस्ट uh, ये बात कर रहे थे कि नहीं आपको इम्पोर्ट्स नहीं करने चाहिए आपको सब्टिट्यूट करना चाहिए डोमेस्टिकली तो वो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को ये कंट्रीज बड़ा जो है वो फील भी करते थे और उसको एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली वो कर ही रहे थे देन वो उसको बड़ा प्रॉपिगेट किया जाता था इन इकोनॉमीज के अंदर और अभी भी किया जाता है टू सम समस्टेंड लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कंसिडर की गई विद द पैसेज ऑफ टाइम तो वो ये थी कि ये थोड़े से स्टैटिक एनालिसिस की बात हो रही है यहाँ पे डायनामिक्स को नहीं देखा जा रहा हम एक पॉइंट टाइम के अंदर हम इस चीज को कह सकते हैं कि सिर्फ इस चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन हो रही है तो व्हाट अबाउट द डायनामिक्स जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपके पास बहुत सी जब क्योंकि एक डेवलपमेंट का एक बेसिक करेक्टरिस्टिक ये है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ये आ, दिनों में नहीं आता ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है जैसे सपोज़ आज चाइना जिस जगह पे है ये आ, ऐसे नहीं हुआ कि इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वन और टू इयर्स में भी थ्री इयर्स में भी ऐसे नहीं हुआ ये काफ़ी डेकेट्स पे इस चीज़ की जो चाइना की करंट पोजीशन है वो आफ्टर सम डेकेट्स आप वहाँ पे पहुँचा है चाइना इसी तरीके से कोई भी कंट्री जो डेवलप फॉर्म की तरफ जाता है उसको टाइम लगता है तो डायनेमिक जो है वो एस्पेक्ट्स को नहीं देखा गया तो इसके अगेंस्ट जो आ, आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया कुछ एग्जाम्पल्स के साथ रखा गया दैट वॉज एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राज़ील कोरिया ताइवान मैक्सिको मलेशिया इवन अगर आप इनको देखें स्टडी करें तो प्राइमरीली ये डेवलपिंग कंट्रीज थी लेकिन इन्हों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लर्न किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन कंट्रीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई अब क्या होता है कि इन कंट्रीज़ में जिनकी यहाँ पे कोट किया इवन मलेशिया को भी अगर आप इन सिंगापुर को आप ऐड कर लें तो यहाँ पे अब वो मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट्स देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं कहाँ पर वो एग्रीकल्चर कंट्री से उठते हैं और वो अब इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं तो दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट जो आप uh, एक स्टैटिक पॉइंट पे रहने की बात है क्योंकि ये आपके पास डायनेमिक uh, चेंज आते हैं या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आती हैं इकोनॉमीज़ के अंदर प्रोडक्शन मेथड्स के अंदर जैसे इन uh, फैक्टर्स को अगर ऐड uh, किया जाए लाइक फैक्टर सप्लाइज को देखा जाए लाइक लेबर एंड कैपिटल को देखा जाए तो वो मैटर करते हैं किसी कंट्री के लिए उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए अगर किसी कंट्री के अंदर कैपिटल ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी एंड देन अगर किसी कंट्री की लेबर इम्प्रूव कर रही है इन फॉर्म ऑफ स्किल्ड लेबर आ रही है तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगी वो डेवलपिंग कंट्री अल्टीमेटली कैचअप करेगा या ऊपर की तरफ जाएगा टुवर्ड्स कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स डेवलप वर्ल्ड देन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशनस की अगर आप बात करें टेक्नोलॉजी यूज की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को इस प्रोसेस को फास्ट करता है देन कैपिटल एक्यूमलेशन की बात करें तो कैपिटल भी जब ज़्यादा आता है तो इंडस्ट्रियल बेस बढ़ती है सो so, यहाँ पे एक चीज़ हम कह सकते हैं आफ्टर दिस डिबेट कि एक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलपिंग वर्ल्ड के वो हमेशा क्या वो एक्सपोर्ट करेगा सिर्फ अपने अपनडेंट फैक्टर को लेके या जो फैक्टर इंटेंसिवली डेवेलप जिनकी गुड्स की प्रोडक्शन वो इंटेंसिवली कर रहा है लाइक लेबर लेबर बंडेंट कंट्री है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स ही बनाएगा उसके काउंटर में ये जब देखते हैं दूसरी साइड पे तो एक रियलाइजेशन होती है वो ये होती है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के देख के एक चीज़ तो समझ आती है वो ये है कि यहाँ पे हम स्टैटिक एनालिसिस नहीं कर सकते वी नीड सम थीरीज कि जो एनालिसिस uh, को uh, देखे एक ऐसी थेरी जिसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स को इनकापरेट किया जाए वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर्स की बात की जाए वहाँ पे इनोवेशंस की बात की जाए वहाँ पे पेटेंट्स uh, की बात की जाए जितने उस कंट्री के अंदर होते हैं इवन मोर देन दैट तो uh, आपके पास एक यूनीड अ थेरी विच कवर्स द डायनामिक्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स देन फिर स्टिल uh, आई बिलीव इन जो इकनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं दे बिलीव टू समस्टेंट दीज ट्रेडिशनल थेरीज आर स्टिल रेलिवेंट टू द इंटरनेशनल ट्रेड क्योंकि बेसिस यहाँ से ही आती हैं बेसिस अंडरस्टेंडिंग्स यहाँ से डेवलप होती हैं तो यू कैन बेसिकली कैलकुलेट किस तरीके से आपको आगे जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स तो यहाँ पर जो बेसिक थेरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं आप थैंक यू